Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.3 or question number 12. Last question hai is exercise ka. Achha, question number 12 mein hume kaha gaya hai ke prove that in any triangle ABC, B is equal to cos A plus A cos C. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. B is equal to cos A plus A cos B, A cos C. अच्छा, यहाँ पर B क्या चीज है, A क्या चीज है और ये small A क्या चीज है. ठीक है, तो B जो है वो साइड है ट्रायंगल की, सही है, मैग्नीट्यूड है ट्रायंगल की साइड का, एक साइड का. ठीक है, तो ये ए जो है ये एंगल है, ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, सही है, और ये ए जो है ये साइड है, ए साइड की यानी कि ट्रायंगल की बीसी साइड जो बनती है. ठीक है, ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए ये साइड है. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में ये सी क्या चीज है, एंगल सी, मतलब के ये बनता है वर्टेक्स सी पे जो एंगल बनता है. ठीक है, वो है. तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं. ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल. अच्छा, अब इसमें क्या है, ये ए वर्टेक्स इसको कह दें, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, सही है. तो ये इस पे एंगल ए बनेगा, यहां पर ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये एंगल बी है. ठीक है, अच्छा, हमने प्रूव करना है बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए कॉस सी. अब हम डायग्राम से इसको प्रूव करते हैं. पहले डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं. इस ए सी साइड को मैं क्या नाम दे दूंगा, बी. ठीक है, ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी इज स्मॉल बी, इसको नाम दे देते हैं, और ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए इज स्मॉल ए का नाम दे देते हैं. ठीक है, और ऑपोजिट टू वर्टेक्स सी इज इसको स्मॉल सी का नाम दे देते हैं, सही है. अच्छा, अब यहां से ए सी साइड को मैं एक्सटेंड करूंगा इस साइड पे. ठीक है, इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट उसी के पैरेलल बनेगा. ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड किया. अच्छा, अब ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल कितना बनेगा, देखें ये टोटल 180 एंगल है, सही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, सही है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, और साथ में ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल टोटल जो है वो 180 एंगल बन रहा होता है, सही है. तो 180 में से इस एंगल को माइनस कर दें तो ये एंगल बन जाता है. ठीक है, मतलब के पाई माइनस ए ये वाला एंगल बन जाएगा. तो इसको हम कह देते हैं दिस एंगल इज पाई माइनस ए, सही है. इसी तरह से अगर मैं इस साइड को भी एक्सटेंड करूं, ये इस साइड को मैं एक्सटेंड करता हूं इस तरह से, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी इस तरह से देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 बनता है. 180 में से इस सी को मैं माइनस कर दूं, एंगल सी को, तो ये बाकी एंगल बच जाता है. तो इस एंगल को हम कह देते हैं पाई माइनस सी, सही है. अच्छा, इसके बाद ये देखें कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये तीन वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर है, ठीक है, तीनों साइड्स को हम वेक्टर कह देते हैं, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है. तो तीनों वेक्टर्स का सम एक ट्रायंगल, मतलब कोई भी क्लोज्ड फॉर्म हो, कोई भी क्लोज्ड शेप हो, उसके वेक्टर्स का सम किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा. ठीक है, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फॉर्म बन गई है. तो अब देखें, इसमें हम ऐसा करते हैं कि सी ए से, सी ए वैक्टर से सबको, सबके साथ सी ए वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. ठीक है, सी ए वैक्टर कौन सा है, ये वैक्टर सी ए वैक्टर, मतलब कि इसको मैं एक्सटेंड करूं तो इक्वल मैग्नीट्यूड रखूं ए सी के, तो ये वेक्टर जो बनता है नेगेटिव ऑफ ए सी वेक्टर,
ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए सी वैक्टर है ये, तो ये सी ए वैक्टर बनता है, ये वाला वैक्टर सी ए वैक्टर, सही है, नेगेटिव ऑफ ए सी वैक्टर, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है ए सी और सी ए के। तो इस सी ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सब वैक्टर्स का, तो ये करते हैं ए बी वैक्टर डॉट सी ए हो जाएगा, और इसी तरह से बी सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, बी सी वैक्टर डॉट सी ए, सही है, तो इसी तरह से प्लस सी ए वैक्टर डॉट सी ए वैक्टर इज इक्वल टू सी ए वैक्टर डॉट जीरो। अच्छा, अब ये हमने ले लिया इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट, सही है, अब ये क्या बन जाएगा, देखें ए बी दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सी ए का मैग्नीट्यूड, और साथ में इन दोनों के दरमियान में एंगल, ए बी और सी ए के दरमियान में एंगल, ए बी और सी ए के दरमियान, ए बी ये साइड है, ये वेक्टर है, और सी ए वेक्टर ये है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, ये एंगल पाई माइनस ए, तो कॉज ऑफ पाई माइनस ए, सही। इसी तरह से आप अगला जो है बी सी, ये बन जाएगा बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम बी सी और सी ए के दरमियान, तो बी सी और सी ए के दरमियान कौन सा एंगल बनता है, बी सी साइड क्या है, ये बी सी साइड है, ठीक है, और ये सी ए जो है वो बन जाएगा, ये एंगल बनता है ना, इसको अगर यहां से देखें तो ये बी सी एंगल, बी सी जो है वो वेक्टर है, ठीक है, बी सी वेक्टर यही है, सही है, तो इसका एंगल सी ए के साथ, मतलब कि ये इसकी टेल मिला रहे हैं, अगर इसको मैं इस तरह से एरो हेड दे दूं तो ये सी ए वैक्टर बनता है, ठीक है, और ये बी सी वैक्टर बनता है, इन दोनों के दरमियान एंगल पाई माइनस सी है, तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ पाई माइनस सी। अच्छा, अब सी ए डॉट सी ए दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, सेम है, तो ये बन जाएगा सी ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सी ए का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस जीरो, कॉस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सही है। अच्छा, अब यहां पर देखें ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी किसके बराबर है, ए बी, ए बी ये है साइड, ठीक है, ये वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड सी के बराबर है, इसको हमने पहले से कहा हुआ है, ठीक है, तो ये बन जाएगा सी, और इस तरह से सी ए, सी ए का मैग्नीट्यूड ए सी के बराबर ही होगा, क्योंकि सी ए क्या है, ऑपोजिट है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए सी है, तो ए सी का मैग्नीट्यूड और सी ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो कि है बी के बराबर, तो यहां से आ जाएगा सी बी। अच्छा, उसके बाद कॉज ऑफ पाई माइनस ए, तो कॉज ऑफ पाई माइनस ए मतलब के पाई माइनस ए, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये बन जाएगा माइनस कॉज ऑफ ए, ठीक है, माइनस कॉज ऑफ ए, आगे है बी सी और सी ए, बी सी साइड, बी सी साइड ये है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड ए है, और साथ में सी ए साइड, सी ए की मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है, सी ए की मैग्नीट्यूड बी होगी, और कॉज ऑफ पाई माइनस सी इज माइनस कॉज ऑफ सी, माइनस कॉज ऑफ सी, आगे आ जाएगा सी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, और फिर साथ में बी दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा, कॉज ऑफ जीरो इज वन, तो ये इसके साथ बी स्क्वायर के साथ वन मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब यहां से आगे हम करते हैं इसको कि बी सी इज इक्वल टू, बल्कि उससे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा माइनस बी सी कॉज ऑफ ए माइनस ए बी कॉज ऑफ सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो अब इनको, इन दोनों को राइट साइड्स पे ले देते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कॉज ऑफ ए प्लस ए बी कॉज ऑफ सी, सही है। अच्छा, अब दोनों साइड्स को हम P से डिवाइड कर देते हैं, सही है, तो डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय B, ठीक है, तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू C कॉज ऑफ A प्लस A कॉज ऑफ C,
यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में। कि सबसे पहले हमें कहा गया था कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, जिसमें हमने प्रूव करना है बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सही है। तो यहाँ पर हमने पहले एक ट्रायंगल बनाई जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड के मैग्नीट्यूड को ए कह दिया, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसके मैग्नीट्यूड को बी स्मॉल बी कह दिया, और इसी तरह से सी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसके मैग्नीट्यूड को स्मॉल सी कह दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया और क्या है, इस साइड को एक्सटेंड किया, ठीक है, ए सी साइड को एक्सटेंड किया, मतलब कि उसका नेगेटिव ऑफ ए सी हमने वैक्टर शो किया यहाँ पर ये, ठीक है, ये सी ए वैक्टर बना दिया। इसी तरह से सी बी सी वैक्टर को मैंने एक्सटेंड किया आगे, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या बन गया, पाई माइनस ए, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 180 था और इसमें से इस वेक्टर को इस एंगल को माइनस कर दिया तो ये पाई माइनस ए बन गया। तो इसी तरह से इस एंगल में से टोटल एंगल 180 में से सी एंगल को माइनस किया तो ये एंगल पाई माइनस ई बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्लोज्ड फॉर्म हो, सही है, तो उसका उसके वेक्टर्स का एडिशन अगर फाइंड की जाए, मतलब कि उन वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो वो इक्वल टू जीरो आएगा, सही है। तो ये हमने प्रूफ में भी देखा था। तो इससे आगे हमने क्या किया कि ए बी और बी सी और सी ए और जीरो वेक्टर, सब वेक्टर्स को हमने उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया सी ए वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ, ठीक है। तो सबका डॉट प्रोडक्ट लिया इज इक्वल टू जीरो हमने रखा। तो यहाँ पर फिर हमने वो फार्मूला अप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है इसका, एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई दूसरे का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर ए बी के साथ सी ए का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पर बना ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज ऑफ दिस एंगल, एंगल इन दोनों वैक्टर्स के दरमियान, मतलब कि ए बी और सी ए के दरमियान जो एंगल बनता है, ए बी वैक्टर ये है, ठीक है, और सी ए वेक्टर ही है, इन दोनों के दरमियान का एंगल ये पाई माइनस ए आ गया। तो यहाँ से हमने कॉज ऑफ पाई माइनस ए बन गया। इसी तरह से बी सी और सी ए का डॉट प्रोडक्ट लिया तो बी सी मैग्नीट्यूड सी ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनता है, पाई माइनस सी, जो कि ये है, ठीक है, पाई माइनस सी। इसी तरह से फिर सी ए डॉट सी ए जो है वो आ गया इन सेम जो है सेम साइड्स हैं, ठीक है, सेम वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स होगा। तो इन सी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी मैग्नीट्यूड है, जो कि ए सी के इक्वल है, क्योंकि ये सी ए जो है वो नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर है, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर है इसका ए सी का। तो ये नेगेटिव जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन ही ऑपोजिट होती है, ठीक है, मतलब कि ये बी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी बी होगी, ठीक है। तो इसका फिर हमने इस तरह से ये दोनों का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो कि बी स्क्वेयर आ गया। तो इसको आगे हमने सॉल्व किया कि बी स्क्वेयर था, ठीक है, तो बी से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तुम्हारे पास ये आ गया बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, जो कि हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी एंड होती है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये हम प्रूव कर चुके हैं बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी।